अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ जी आज़ाद कश्मीर के साथ है गांव है दंदड़, और इधर से पहाड़ जो है बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, तो आपको पहाड़ दिखाते हैं। ये मेरी हाला का घर है, और ये देखें माल्टे का पौधा लगा हुआ है, दरख्त बड़ा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किस्म का फल लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये जो है फल सारा नवंबर दिसंबर में जाके रेडी होगा, पक जाएगा। अभी इसको फल लग गया, और अभी आप छत पे जाते हैं, छत पे जाके आपको पहाड़ दिखाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जी छत पे, छत से जो है वो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, और आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू नज़र आता है पहाड़ का। ये मेरी हाला का घर है, दंदड़ गांव का नाम है। हाँ जी ब्रह्म छत चलिए, ये सारा घर जो है ये मेरी हालात है, और ये मेरा कज़न है, ये मुझे ऊपर विजिट करवाने के लिए लेके आया है। आवाज़ किस तरह नहीं आती भी ये बस है। अभी मैं मज़ीद ऊपर जा रहा हूँ जी, ऊपर आपको व्यू दिखाते हैं कैसा व्यू है। इधर से पहाड़ जो है आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। ये अभी मैं छत पर आ गया हूँ, इधर से वो सारे पहाड़ आपको नज़र आएंगे। ये घर जो है ये मेरी हालक है आज़ाद कश्मीर में। और वो जो सारे आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो गुजरात से दौलत नगर से या खारियाँ से आपको जो नज़र आते हैं ना पहाड़ आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, वो ये वाले पहाड़ हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये सामने पहाड़ हैं जी। अभी मैं मज़ीद जूम करता हूँ, ये सामने जितने पहाड़ सब आज़ाद कश्मीर के, मेंबर आज़ाद कश्मीर के, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये नज़र आ रहे हैं आपको सारे पहाड़, ये हैं जी मेरे कज़न, ये मेरे छोटे मसेर हैं, इब्राहिम नाम है इनका। इब्राहिम अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हमारा गांव बहुत प्यारा है। अच्छा। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। आपके गांव का नाम क्या है पहले ये तो बताओ? हमारे गांव का नाम धंदड़ कलां है। धंदड़ कलां, अच्छा। तो कोटला से आपका गांव कितना लग जाता है, कितने टाइम लग जाता है कोटला से? शुक्रिया। और वो जो है वो आप देख रहे हो मेरी बाइक खड़ी है, और ये नीचे उसका माल्टे का दरख्त है बड़ा प्यारा माशाल्लाह, और अमरूद का। इब्राहिम जो है वो बड़ी मेहनत करता है इस पे गार्डनिंग पे, पौधों को टाइम पानी पे पानी जो है टाइम पे देता है, और अकेले अकेले खा जाता है सारे माल्टे। दिस इज़ ऑल अबाउट अ विलेज दंदड़ नियर आज़ाद कश्मीर। अभी इब्राहिम भाई हमें अपना रूम का विजिट करवा रहे हैं। इब्राहिम भाई ये आपका रूम है, देखें। इब्राहिम भाई एंटर हुए हैं और लाइट चली गई है, क्या बात है। ये इब्राहिम भाई का रूम स्कूल नहीं जाता, ये नहीं जाता। ओके, आपको ये गांव अच्छा लगा होगा, और विला आज़ाद कश्मीर बड़ी प्यारी जगह है, आप भी जाएं विज़िट करें, ज़रूर करें आज़ाद कश्मीर। आजकल तो बारिश हो गई, मौसम भी अच्छा हो गया।